प्रसिद्ध चूरू जिले का सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम बाबा के जयकारों व लाल ध्वजा लहराती नजर आ रही है। मौका है हनुमान जन्मोत्सव का। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। चैत्र पूर्णिमा पर लगने वाले लक्खी मेले पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरगाह में धोक लगाकर मन्नत का नारियल बांधकर बालाजी के दर्शन करने आते हैं। राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, अन्य राज्यों से श्रद्धालु इस मेले में आते हैं, साथ ही बालाजी के दर्शन करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। 800 से अधिक सुरक्षा कर्मी नजर बनाए हुए हैं। वहीं 150 सीसीटीवी कैमरों भी मंदिर परिसर और आसपास लगाए गए हैं। जयंती के उपलक्ष्य में रात्रि 2 बजे बालाजी मंदिर के पट खोल दिए गए थे और पुलिस थाना के सामने से यात्री पंक्तिबद्ध लाइन में लगे और अभी शाम तक ऐसा अनुमान है कि यात्री श्रद्धालु यहाँ करीबन 50,000 से ऊपर श्रद्धालु दर्शन करेंगे। शनिवार का जो सहयोग बना है वो 30 वर्षों बाद बना है। हनुमान जयंती शनिवार 30 अप्रैल 1991 में आई थी और ये ऐसा मानना है ज्योतिषों का कि ये शरीर के कष्ट दुख हरेगा अगर आज के दिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, पूजा अर्चना करें। आप सबके लिए हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सालासर हनुमान जी से सुख और समृद्धि की मंगल कामना करते हैं समस्त पुजारी परिवार। अंजनी नंदन पवन कुमार विनय करू में बारंबार, मेरी नौका है मजदार भव सागर से पार उतार। भक्त शिरोमणि मोहनदास पूरे सब भक्तों की आस। हम समस्त भक्तजनों के लिए इष्ट देव हनुमान जी से मंगल कामना करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हनुमान सेवा समिति मंदिर प्रबंध कमेटी द्वारा इस मेले के अंदर समुचित सारी व्यवस्थाएं, पेयजल की, चिकित्सा की,